थानला बदनावर स्टेट हाईवे पर आज सुबह करीब 6:30 बजे एक बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रक पलट गया, लेकिन इस हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों और बस के चालक की मौत हो गई और करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें थानला और पेटलाद के बीच के भेरूघाट की है। भेरूघाट के समीप बावड़ी गांव में यह हादसा हुआ। एक बस जो भिंड से चलकर गुजरात के अहमदाबाद की ओर जा रही थी, आज सुबह वो भेरूघाट में हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा था कि ट्रक चढ़ाव की ओर चढ़ रहा था और बस चढ़ाव को उतर रही थी और इसी दौरान मोड़ पर यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर ही बस चालक की मौत हो गई तथा बस में सवार 2 यात्री, जिनमें एक 10 साल का बच्चा भी है, वो भी काल के गाल में समा गए। इस हादसे में करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हुए, जिनका पेटलावद, थानला और जिला अस्पताल झाबुआ में इलाज चल रहा है। इनमें से भी 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई, डायल 100 भी पहुंच गई और उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया और घायलों को उचित इलाज देने का प्रयास शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस चालक नींद में था और बस तेज गति से थी, इसलिए यह हादसा हुआ। सुनिए यात्रियों की बयान। अब क्या कर रहा था उस समय? सो रहा था टाइम पे, जब हमको मालूम नहीं पड़ा, जब देखा तो सामने से पैर पलटी खा गया, खड़ी वहीं खड़ी रही। कहाँ का चोट आई आपको? हमारे दोनों पैर फ्रैक्चर, एक हाथ। कहाँ क्या के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? वकील। कहाँ जा रहे थे? अहमदाबाद। वाला नींद में था, चला रहा था स्पीड में, बहुत स्पीड से गाड़ी टकराई, बस वाला डैमेज हो गया। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अहमदाबाद। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी के। भेरूघाट वो पॉइंट है जहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद भी न एमपीआरडीसी ने और न ही प्रशासन ने इसको दुरुस्त करने की कोई कोशिश की, न ही हादसों को रोकने की कोई कवायद की गई। नतीजा, लगभग हर सप्ताह कोई न कोई हादसे होते हैं और लोगों की जान जा रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता और पेटलावद से सलमान खान की रिपोर्ट।